उत्तराखंड में 4 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। इस राज्य की जनता 6 महीने में 3-3 CM देख चुकी है। राज्य का इतिहास रहा है कि यहां 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। बीजेपी इस इतिहास को बदलना चाहती है, लेकिन पार्टी के नेता ही ये कबूल कर रहे हैं कि जिस तरह से 4.5 साल सरकार चली है उसका बदला जाना तय है। तो किस नेता ने पार्टी पर उठाए सवाल जिससे बीजेपी में मची हुई है हलचल, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पुष्कर धामी की सरकार में मंत्री हरक रावत इन दिनों चर्चाओं में हैं। पहले पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उनका विवाद हुआ। इस विवाद में भाषा की मर्यादा को भी ताक पर रख दिया गया। बाद में पार्टी हाईकमान ने हरक रावत को सख्त शब्दों में नसीहत देकर चुप कराया और अब एक बार फिर हरक रावत का एक वीडियो इन दिनों बीजेपी की परेशानी का कारण बन गया है। इस वीडियो में हरक सिंह रावत अपनी ही सरकार को सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरक रावत का जो वीडियो वायरल हुआ वो मसूरी का है, जहां वे वामपंथी नेता की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम में हरक रावत ने अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की आत्माएं आंसू बहा रही होंगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्माएं रो रही होंगी जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपना सब कुछ खो दिया। हमने बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड सौंप दिया है। जब वीडियो वायरल हुआ और बीजेपी के अंदर ही सवाल उठने लगे तो हरक रावत ने सफाई दी कि उनके वीडियो को एडिट कर जारी किया गया है, जबकि उन्होंने ये बात किसी और संदर्भ में कही थी। लेकिन जिस मंच पर हरक रावत बैठे थे उस मंच से बीजेपी सरकार को जमकर कोसा जा रहा था। वीडियो में एक वक्ता सरकार को घेरते हुए कहता है कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जिनको कमान सौंपनी चाहिए उनको मौका नहीं दे रहे हैं और ऐसे लोगों को ला लाकर मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कह रहे हैं ये बेकार आदमी है इसे बदल दो। अरे भाई, बेकार लोगों को हमारे सिर पर काहे बैठा रहे हो, ऐसे लोगों को लाइए जो यहाँ पर बैठे हैं, प्रदेश का भला करेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। साफ था कि हरक रावत को सीएम बनाने की बातें कही जा रही थी। इस वीडियो को भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अनुशासनहीनता माना है और कहा कि वो इसे लेकर हरक रावत को सख्त संदेश जरूर देंगे, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि हरक रावत की नजर इस समय सीएम की कुर्सी पर है, इसीलिए वो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। उत्तराखंड का इतिहास 5 साल बाद सत्ता बदलने का रहा है, इसलिए हरक रावत इस समय कांग्रेस में भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।